तो जय हिंद दोस्तों, क्या आप देख सकते हैं फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड स्क्वाड का गेम पे लेके। तो कैसे आप लोग अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। अब इस बार भी मैं इसी खजवी जगह पे जाने वाले हैं। मैं इसको इसलिए खेल रहा हूँ ताकि मेरी रैंक थोड़ी सी बढ़ जाए और मेरे को बंदे मिले, मतलब कि अच्छे बंदे। इसमें वो बड़े वाले वैम्पायर को भी मारने वाले, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। और भाई ये वाले मैच में बंदे सच में रियली आए थे, मैक्सिमम तो रियल थे, लेकिन हर कोई लैंडिंग सही से नहीं कर पाता जिसकी वजह से फिर गालियां मिलती उनको। चलो बड़ा तुम भी, ये भी नंगा पुंगा दोस्त मेरा, इसको भी गन नहीं मिलेगी। और ये देखो भाई, इन लोगों को लग रहा होगा कि ये ना महल के नीचे उतरेंगे और नीचे से अंदर घुसेंगे, लेकिन भैया जी नीचे से एक ही रास्ता है आने का, और वो तुम्हें पता नहीं होगा। पहली बार जब मैं इसको खेल रहा था तब मेरे को खुद को पता नहीं चल रहा था कि कहां से जाना है ऊपर। और यही चीज इन बंदों के साथ नहीं हुई जिसके वजह से इनके लेसन लगने वाले। खैर अभी यहाँ पे घपाघप में 50 बंदे नॉकआउट कर देता हूँ। और इनकी पेटियां लूटने पे मुझे याद आता है कि ये तो पहले ही गरीब थे, इनके पास कुछ भी नहीं था। हाँ भाई लेसन, ये खजवा वही है जो कि स्कूल में प्रे होने के बाद आता है। खैर अभी यहाँ पे अपने 6-7 किलो चुके थे तो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मुझे एक मासूम बंदा दिखता है तो मैंने उसको पर्चा दे दिया। लेकिन मैंने जिस बंदे का किल चुराया वो बंदा बहुत ही खजवा था, इस बात का पता मुझे थोड़ी देर बाद लगा। मुझे थोड़ा थोड़ा शक हो ही रहा था कि ये बंदा कवर वगैरह ले रहा है, मतलब कि एकदम रियल है, इसने अपना सेंसी लेआउट सब कुछ सेट कर रखा है। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो भाई यार क्या उखाड़ लेगा, घुसते सीधा। मगर तभी ये देखो, मेरे और मेरे टीममेट के दोनों की इसने लट काट दी। लेके बंदे ने मार दिया क्या? हेलो। खैर कोई बात नहीं, मैं वहां से मर के इधर आता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को ये भेड़िया दिखता है छोटा सा, तो मैंने बीटा वर्जन में तभी देख लिया था कि इसका क्या काम है। इसके पास अपन जैसे जाते हैं ये थोड़ा सा भागने लगता है, और फिर थोड़ा सा इसको फिर से टच करो तो ये सामने वाले भेड़िए के अंदर घुस जाएगा और उसमें आएगी लूट। चलो भाई मजा आ गया मेरे को, बहुत ही बढ़िया वाली लूट मिली है ऐसा तभी लग रहा होगा। लेकिन ये खजवी लूट तो किधर भी पड़ी हुई मिल जाती है, लेकिन जिस चीज की मैं तलाश कर रहा था वो मुझे यहाँ मिलती है, ये देखो नीचे पड़ी हुई। चलो भाई मुझे क्रिमसन क्रिस्टल मिल चुका है और अब मैं वो बड़े वैम्पायर को चैलेंज कर सकता हूँ। आ जाओ लौंडो सब मेरे साथ में आ जाओ, मैं खोल रहा हूँ उसकी चड्डी। चलो घुसो अंदर। अब भाई तुम्हें तो याद ही होगा कि पिछली बार मेरे साथ क्या हुआ था जब मैं अकेले उससे भिड़ गया था। ये गलती मैं फिर से नहीं करने वाला। जब 3-3 बंदे इसके ऊपर हमला करेंगे तो इसकी चड्डी फटी जाएगी। और पता नहीं भाई इसको क्या हो गया था, ये ना कभी कभी एक ही बंदे के पीछे पड़ जाता है और उसको तब तक मारता है जब तक उसकी जिंदगी झंडा हो जाए। भाई इसने मेरे टीममेट को हाथ फेंक के मार दिया, इसमें ऐसा उठा के पटक नहीं रहा किसी को। और इसका मैं प्लान समझ चुका हूँ, त्रिशूल फेंक के मारेगा कि भिड़ू। वाओ बच गया खजबे, उस दिन मैं अकेला था जिसकी वजह से तू मेरे को मार पा रहा था, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता, लगभग इसके लेसन अभी लगने ही वाले हैं। भाई मेरे टीममेट के छाती में घुसा दिया उसने त्रिशूल, तो चल बेटा बोलो भारत माता की जय। इसको मारने में इतनी मेहनत लगती है भाई, और लूट के नाम पे लेसन नहीं मिलता। ग्रोजा या फिर MG3 इनमें से एक गन मिल जाती है तो अभी उसी को उठाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। और चलो चलो अभी बाकी बंदे मारने अपने को। अब यहाँ पे मैं खूंखार वाला भेड़िया बन के इस बंदे पे हमला करता हूँ जो कि लगभग मेरी चड्डी फाड़ गया था। अरे यार भाई कैसे मारो इसको, भागो भाई भागो, जल्दी भागो, अंदर घुसना पड़ेगा, पीछे से भी कोई आ चुका है। यार भेड़े के झापड़ में इतना दम नहीं है सच कहो तो, क्योंकि मैंने पिछले गेम प्ले में भी एक बंदे को झापड़ मारी थी जिससे कि उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। खैर अभी यहाँ पे हमारा प्लान था कि हम भेड़ियों की तरह शिकार करेंगे वो भी एक साथ। और किस बात का मिशन कंप्लीट हो गया भाई, मिशन कंप्लीट, ओपन द मिनी मैप टू चेक अनलॉक रिवॉर्ड। अरे भाई मेरे को आगे जाने दो ना भाई, तुम आओ हमारे आगे और तुम्हारे पीछे हम दोनों चलेंगे, तो राइट बटन से देखना तगड़े लगेंगे।
को तो सही। हाँ 1 2 3 स्टार्ट, लेट्स गो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। मुझे इस भेड़िए में सिर्फ एक ही कमी नजर आती है, वो ये है कि जब भी अपने को भेड़िए से आम आदमी बनना पड़ता है तब भाई ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, जिसके वजह से कभी भी अपने लहसुन लग सकते हैं। ओह शिट, कौन है वो बदतमीज जिसने मुझे मारा? किसको मरने की जल्दी है? अच्छा स्क्वाड हाउस के ऊपर है क्या? रुक, तेरे को बताता है, एक बार मेरे को हीलिंग करने दो, उसके बाद में देता हूँ एक एक को प्रसाद। ओ चलो बेटा, चलो बेटा तू भी। खजुर लोग मेरे को मार के यहाँ से भागने वाले थे, लात मार के गाड़ी से बाहर फेंक दिया। और ये ले डोरेमोन का चटपटा गोटा। इस बंदे को जैसे पता चला कि मैं नेट फेंक रहा हूँ वहां से भाग गया, लेकिन कब तक भागेगा? चड्डी तो फटेगी और सबकी फटेगी। आ जा बड़े यार, ये MG3 कितनी जल्दी रिलोड आ जाती है यार। शिट, चलो बड़ा चलो बड़ा। अरे यार ये ले, चलो भाई आखिरकार हमने इनको भी पेल दिया है। इस पूरे मैच में हमें अब तक के खूंखार बंदे मिले। खैर अभी इनको मार के मैं मेरी गने वगैरह रिलोड कर रहा था बॉट्स को मारने के लिए, लेकिन तभी मेरे सामने से फायरिंग हो जाती है। तो चलो भाई बन जा भाई भेड़िए से इंसान जल्दी से, क्या है ये ले। ओह शिट खूंखार, थोड़ा संभल के ही खेलना पड़ेगा, नूब नूब समझ के नॉकआउट ना कर दे कहीं। खत्म आ गए रिलोड, अरे मर जाओ भाई प्लीज यार। पता नहीं इस गन पे मैंने कब 3x लगा के मारा था किसी को। खैर अभी आगे की तरफ मैंने 3-4 बंदे नॉकआउट कर दिए, तो फटाफट इनको आगे जाके पेल के आता हूँ, क्योंकि नदी किनारे भी कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं। और चल बेटा तुम भी। चलो आखिरकार अपने यहाँ पे घपा घप 18 किल हो चुके हैं। और हमारे भाई साहब मुझसे पूछ रहे थे कि ये क्या चीज़ है। अरे भाई ये वो दरवाजा है जिससे तुम कैस्टल में जा सकते हो, अगर झूठ लग रहा है तो जाके देखो। ये लो बना के देता हूँ, घुस जा अभी उसके दरवाजे के अंदर, घुस जा। The Crimson Castle is not in the play zone, unable to teleport. अच्छा जोन में नहीं है ना, खैर कोई बात नहीं। क्या ये हमारी बुलेट्स वगैरह ब्लॉक कर सकता है? लग तो नहीं रहा मेरे को। हो सकता है कि इसमें कुछ, अरे ये तो अपने आप ही टूट के बिखर गया। खैर इसके जान तो भाड़ में, मैं बन जाता हूँ भेड़िया और भाग भाग के जाऊंगा भी सीधा उधर जॉर्जो सिटी में। और भाई जो दुकान में इंजेक्शन मिलता है ना नीला वाला, उसको मारने के बाद तो ये भेड़िया एकदम बेस्टी बन जाता है, एकदम खूंखार तगड़ा। भागने की शक्ति, तैरने की शक्ति, सब कुछ इसका बढ़ जाता है। एक झापड़ में पूरी नदी पार कर दी। बस इसकी मेरे को एक कमी लगती है कि ये जल्दी भेड़िए से इंसान नहीं बनता। अगर वो भी सही हो जाए तो मजा आ जाएगा। खैर मैं वहां से निकल के गोरे गोपाली जॉर्जो पॉली आता हूँ, और इस वेयरहाउस के अंदर एक खजुआ कैंप कर रहा था जिसके मुझे चड्डी फाड़नी पड़ेगी। आ जाओ भाई, चले। और मैं यहाँ पे गेम प्ले बनाने के लिए तड़प रहा हूँ, लेकिन मेरा 4 नंबर जो कि रैंडम है खूंखार प्रकार से किल करे जा रहा था, उसे पे ग्रेनेड डालने के लिए मैं जाने वाला था, लेकिन तभी मुझे बंद दी जाते, तब इन पे डालने पड़ेंगे, क्या कर सकते। चल बेटा भाग गया, लेकिन दूसरा पकड़ा गया। मैं गेम वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी रिलोडिंग थोड़ी फास्ट करा दी जाए। चल बेटा तुम भी। चलो भाई यहाँ पे अपने घबा घब 22 किल हो चुके हैं। आई नो कि ये बंदे बहुत ही खजबे और तुम्हें ये देखने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होगा, बट गाइज तुम थोड़ा सा रुको, मैं जैसे जैसे इस पर खेलूंगा ना बंदे खतरनाक आते रहेंगे, विश्वास रखो मेरा। और अभी ये सामने वाले हॉस्पिटल में बंद थे, तो मैं इसकी एबिलिटी चेक करूंगा अभी ऊपर चढ़ने की। चढ़ जा भाई ऊपर चढ़ जा, कुत्ते की मौत चढ़ जा। अरे ये तो मेरा ही राह देख रहा था। भागो भागो भाई भागो भागो, पीठ पे गोली मारेगा अभी। बच गया,
लगता है अभी सीधा नीचे घुसाना पड़ेगा। मेरा चार नंबर कितने किल चोरी करेगा तू शेमड़े? चले। अरे ये तो वही बंदा ना जिसने मैं उधर मारा था। तू फिर दे जा भाई। और बाहर से फुटी स्टेप। चल बेटा तुम भी। इनकी टीम के मैंने लगभग दो बंदे मार दिए, तीसरा एग्जैक्ट मेरे ऊपर है, तो जाता हूँ ऊपर और उसको पहुंचाता हूँ ऊपर। गलत गल्ला ना करी। चल भाई ये इनकी गर्ल टीममेट होगी। और तुम उसको तो भूल गए जो कि मैंने बाहर नॉकआउट किया था, उसका किल मेरे को अब तक नहीं मिला। तो वही देखने के लिए मैं जैसे बाहर आता हूँ तभी ये देखो ये लग पड़ता। और बस भाई बस अब यहाँ पे अपने 26 किल हो चुके थे और लास्ट वाले बंदे को मेरा रैंडम टीममेट मार देता है। जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है, मेरे को मारना था लास्ट वाला। खैर छोड़ो कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते, नसीब नसीब की बात है। और भाई आज की मजदूरी करते ही पे खत्म। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।